हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग से। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या प्रॉपर्टी सीखी थी। तो पहला प्रॉपर्टी जो था हमारा, हमने बोला था कि लॉग ऑफ ए टू द बेस ए क्या होता है हमारा, वन। जब बेस और आर्ग्यूमेंट सेम होगा तो हमारा लॉग का वैल्यू आएगा वन। इसको मैंने एक्सप्लेन कैसे किया था, एक तरीका तो क्या था हमारा बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉग कि ए की पावर में हम क्या लेते हैं कि ए आ जाए तो वन लिखेंगे, हेंस आंसर इज वन। ठीक है, दूसरा था हमारा लॉग ऑफ वन टू द बेस बी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हमारा, जीरो। क्या बोला था इसको एक्सप्लेन करने के लिए, बी पे हम क्या रेस करें कि वन आ जाए, बी पे हम क्या रेस करें, जीरो रेस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, वन। बेसिक डेफिनेशन से आ गया था, अदरवाइज हमने इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा था हमने, वन इज इक्वल टू बी की पावर जीरो, ऐसे ओपन करते रहो, ये वन हमारा आर्ग्यूमेंट इधर आता है b की पावर RHS, तो b की पावर जीरो, इसको वन को क्या लिख सकता हूं, b की पावर जीरो। हाँ ठीक है, तो ये हमारा कितना है, लेट से मुझे ये नहीं पता, मैंने बोला कि लेट से मुझे नहीं पता जीरो है तो मैंने लिख लिया k, मैथमेटिकली ऐसे प्रूफ किया था, तो क्या आएगा, वन इज इक्वल टू b की पावर k। अब इस वन को लिख सकता हूं b की पावर जीरो इज इक्वल टू b की पावर k, तो मेरा k कितना आया था, वन। तो बेसिक डेफिनेशन से भी और मैथमेटिकली भी ऐसे देखा। फिर जो तीसरी प्रॉपर्टी थी वो हमने क्या देखी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बोला था मैंने, लॉग ए की पावर में लॉग लिखा है और उस लॉग का बेस भी ए है और इसका आर्ग्यूमेंट बी है, तो दिस विल बी बी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बोला भी था उधर, हमें याद रखना है, अभी हम एग्जांपल्स करेंगे तो उस जगह ये चीज यूज होगा। इसको देखो याद रखने के लिए मैंने क्या बोला कि इतना पार्ट कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी बी। बट इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दिया, क्या बोला मैंने, इसको ए को हाइड करो एक मिनट के लिए, इस ए को मैंने हाइड किया, एक मिनट मैं इसको रब कर रहा हूं, देखना मैंने बोला कि इस एक को एक मिनट के लिए भूल गए, जस्ट कंसेंट्रेट ऑन दिस। ये एक ऐसा नंबर है जिसको अगर ए की पावर में लिखा, बेस की पावर, ए की पावर में लिखा तो आई शुड गेट बी, तो ए की पावर में लिखा आई गेट बी। ठीक है, एक तरीका हमने बेसिक डेफिनेशन से देखा और फिर मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, मान सकते हैं लेट्स से दिस इज इक्वल टू के। ठीक है, और फिर मैंने क्या बोला था, ये मान लिया मैंने के है, मुझे के को प्रूव करना है कि वो बी के बराबर है। ध्यान देखना, ये क्या लिखा है, ए की पावर में लॉग ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू k। ठीक है, अच्छा फिर हमने क्या किया, अब इसको ऐसे समझो कैसे हम एक्सपोनेंशियल से लॉग में कैसे जाते हैं। तो पहले एक मिनट के लिए मैं इधर देख रहा हूं, देखना इधर, लॉग ऑफ a टू द बेस b अगर c होता है तो हमारा जो a होता है आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू बेस की पावर RHS। अब हमें उल्टा जाना है तो मैं क्या लिखूंगा, ये जो लिखा a इसको तो लॉग के फॉर्म में लिखूंगा, लॉग ऑफ a और बेस अभी भी रहेगा और जो पावर में लिखा है वो हमारा इधर आएगा। इसी प्रकार अगर मैं बोलूं कि इसको तो मैं लिख रहा हूं पावर में, ये पावर में तो मेरा उस साइड लिख रहा होगा और ये इसके कंपेयर करूं तो मैंने क्या लिखा, लॉग ऑफ के लिखूं इसको, तो इसको क्या लिखूंगा, लॉग ऑफ के टू द बेस ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ बी टू द बेस ए। मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से लॉग ले रहे हैं, आज हम इस पर और डिटेल देखेंगे। तो अब मैं कंपेयर कर सकता हूं के इज इक्वल टू बी, तो एक तरीका मैथमेटिकल ही हो गया, ये हमने देखा था उधर। इसके बाद हमने एक और प्रॉपर्टी देखी थी, वो और देख लेते हैं। तो ये हो गए हमारी तीन प्रॉपर्टीज। उसके बाद जो हमने फोर्थ प्रॉपर्टी देखी थी वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या थी वो, लॉग बी प्लस लॉग सी इज लॉग बी सी। हम दो लॉग का एडिशन है तो उसको एक लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या था, लॉग ऑफ बी टू द बेस ए प्लस लॉग ऑफ सी टू द बेस ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ बी सी टू द बेस ए। हमें याद क्या रखना है, अगर तीनों में लॉग का बेस इज सेम तो इधर क्या b और c इधर लॉग में एडिशन में लिखा है तो वी कैन मल्टीप्लाई इट। ठीक है, आर्ग्यूमेंट को मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख सकते हैं, तो हमारा LHS से RHS भी यूज होगा और हमें कभी कभी किन्हीं क्वेश्चंस में उल्टा भी जाना पड़ेगा, RHS टू LHS, दैट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो अब हम इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, तो इतना क्लियर होगा तुम्हारा, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर जो भी है 5 या 6। तो देखना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, लेट्स से दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 5। देखना, लॉग ऑफ बी की पावर के टू द बेस ए इज इक्वल टू के टाइम्स लॉग ऑफ बी टू द बेस ए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बहुत जगह यूज होने वाली है हमारी ये प्रॉपर्टी। इसमें क्या किया हमने, देखो जो आर्ग्यूमेंट है ना उसमें क्या लिखा है, बी की पावर में के लिखा है तो उस के को मैं आगे लेके आ सकता हूं, तो दिस इज के टाइम्स लॉग बी टू द बेस। इसका प्रूफ भी देखेंगे अभी, दो तरीके से देखेंगे हम इसका प्रूफ, बट
उससे बेटर एक बार फील लाने के लिए हम एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं छोटे छोटे। तो लेट्स, मैंने लिखा लॉग ऑफ 5 टू द बेस पावर की 6, इधर लिखा मैंने लेट्स से 4, क्या लिखा ये लॉग ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या 5 की पावर 6 टू द बेस 4। तो इस प्रॉपर्टी से मैं क्या कर सकता हूं, 6 को आगे लेके आ सकता हूं, तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स लॉग ऑफ 5 टू द बेस 4। क्लियर हुआ? मान लो जैसे मैंने लिखा लॉग ऑफ 5 स्क्वायर टू द बेस 5, ये मैंने बोला, तो क्या कर सकता हूं मैं, देखना इधर मैं दो प्रॉपर्टीज लगाने वाला हूं। एक तो जो अभी पढ़ा क्या कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट का जो पावर है उसको आगे ले आऊंगा, तो दिस विल बी लॉग ऑफ 2 टाइम्स लॉग ऑफ 5 टू द बेस 5। अब मुझे पता है कि लॉग में अगर आर्ग्यूमेंट और बेस सेम है, जैसे हमने अभी प्रॉपर्टी नंबर 1 देखा था लॉग ए टू द बेस ए कितना होता है 1, तो दिस इज 1, तो फाइनली कितना है 2 × 1 इज इक्वल टू 2। क्लियर है? और देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा लॉग ऑफ 25 की पावर 2 टू द बेस लेट्स से 5, ऐसे लिखा मैंने, ठीक है ध्यान से देखा क्या कर रहा हूं मैं। पहले तो मैं आर्ग्यूमेंट का पावर क्या है 2 है, ये 2 को आगे लेके आया तो ये हो गया 2 टाइम्स लॉग ऑफ 25 टू द बेस 5। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई और कर सकते हैं, कैसे देखना, इस 25 को मैं अगेन क्या लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स लॉग ऑफ 5 का स्क्वायर टू द बेस 5। फर्दर अब जो आर्ग्यूमेंट है 5 उसकी पावर में 2 लिखा है, तो 2 को मैं फर्दर आगे लेके आ सकता हूं, तो क्या हो जाएगा ये 2 आगे आएगा, ये वाला 2 इधर आएगा, तो जाएगा 2 टू द 4 लॉग ऑफ 5 टू द बेस 5, और 5 टू द बेस 5 क्या होता है 1, अगर आर्ग्यूमेंट और बेस सेम है तो आंसर कितना हो गया 4 × 1 = 4। क्लियर है बच्चों? तो वीडियो को पॉज करो, इस पार्ट को कॉपी करो, अब मैं इसके प्रूफ पे जाता हूं, ठीक है। इंटरेस्टिंग है प्रूफ भी, ध्यान देना, ठीक है ना, हर एक प्रॉपर्टी का जो मैं प्रूफ बता रहा हूं उसको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में हेल्प करेगा प्रूफ, और प्रूफ करने से क्या होता है हमारा बेटर विजुअलाइजेशन होता है, हमें बेटर फील आती है सब्जेक्ट की, तो हमें प्रूफ जरूर देखना है। अच्छा अब देखना, उससे पहले एक छोटी सी चीज और, जैसे देखना मैंने देखा लॉग ऑफ, अभी के हिसाब से देखना एक चीज बता रहा हूं, लॉग ऑफ 5 स्क्वायर टू द बेस लेट से कोई भी है, बेस 4 है मान लिया, ये चीज और ये चीज देखना, अभी मैं बता रहा हूं एक चीज, लॉग ऑफ स्क्वायर 5 टू द बेस 4, ये दोनों चीज अलग अलग है, ध्यान दे, देखना ध्यान से। इधर तो क्या है जो 2 है वो क्या है 5 की पावर में लिखा है, मतलब आर्ग्यूमेंट की पावर में लिखा है, तो इसके हिसाब से तो ये हमारा प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, इसको नोट के फॉर्म में लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 टाइम्स लॉग ऑफ 5 टू द बेस 4। बट ये चीज क्या लिखी है ना, ध्यान से देखना, इधर जो 2 है वो 5 के ऊपर नहीं है, वो लॉग के ऊपर है, तो ये तो ऐसा लिखा है लॉग ऑफ 5 टू द बेस 4 इंटू लॉग ऑफ 5 टू द बेस 4, दीज टू आर नॉट इक्वल, समझ में आया, ये तो लिखा लॉग ऑफ समथिंग इंटू लॉग ऑफ समथिंग, मतलब दो बार लॉग को मल्टीप्लाई किया है, इधर हमारा अलग है, ये क्या है लॉग ऑफ 5 स्क्वायर, आर्ग्यूमेंट के ऊपर पावर है, इधर लॉग के ऊपर पावर है, दोनों को याद रखना है, तो हमारा जो प्रॉपर्टी था उसमें जो पावर था ना के, वो हमारा आर्ग्यूमेंट के ऊपर था, तो उस आर्ग्यूमेंट के ऊपर जो पावर था उसको मैं आगे लेके आ सकता हूं, समझ में आया। जैसे कि एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैंने लिखा लॉग ऑफ बी की पावर 11 टू द बेस ए, तो इसको मैं क्या लिखा है, ये बी की पावर में है 11, तो 11 को मैं आगे लेके आ सकता हूं, तो दिस इज 11 टाइम्स लॉग बी टू द बेस ए, क्लियर है। अच्छा ये पावर कुछ भी हो, फ्रैक्शन हो, नेगेटिव हो, तो भी चलेगा, जैसे कि मैंने लिखा लॉग ऑफ बी की पावर 3/2 टू द बेस ए, बेस ए, तो क्या हो जाएगा, ये इस 3/2 को आई कैन टेक इट इन फ्रंट ऑफ लॉग, तो दिस इज 3/2 टाइम्स लॉग ऑफ बी टू द बेस, आई होप क्लियर हो गया होगा, काफी एग्जांपल ले लिया हमने, ठीक है ना, याद कर रखना आर्ग्यूमेंट के ऊपर पावर है, लॉग के ऊपर नहीं है वो पावर जो हम आगे लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, तो आर्ग्यूमेंट के ऊपर होगी तभी उसको आगे लेके आएंगे, इसको इस वाले चीज को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2 टाइम्स लॉग ऑफ 5 टू द बेस 4, ये गलत है, 2 लॉग के ऊपर है, आर्ग्यूमेंट के ऊपर होता तो आगे लेके आते, ठीक है, तो इतना कॉपी करो और फिर अब मैं इसका फाइनली प्रूफ देता हूं तुम लोगों को, ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ ऑफ इट। तो देखना इसके प्रूफ को हम दो तरीके से कर सकते हैं, देखना ध्यान से, इसके पहले वाली प्रॉपर्टी यूज करके और एक एज अ फ्रेश, कैसे, जैसे मैंने लिखा, अब मैं के की जगह कोई कॉन्स्टेंट ले रहा हूं, तो मैंने लिखा लॉग ऑफ बी की पावर लेट्स से स्क्वायर टू द बेस ए, इस प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा, इस वाली प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स लॉग बी टू द बेस ए। अब हम इसको प्रूफ करते हैं,
उसके बाद जनरलाइज वाला प्रूफ करेंगे। देखना इससे वाली पहले वाली प्रॉपर्टी मेरी क्या थी, लॉग ऑफ बी टू द बेस ए प्लस लॉग ऑफ सी टू द बेस ए, कितना होता था लॉग ऑफ बी सी टू द बेस ए, ये तो जनरल प्रॉपर्टी हो गई। अब बी और सी में कुछ भी रखो इसमें, ऑफकोर्स डिफाइंड होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब मैंने क्या किया, इसी वाली प्रॉपर्टी के अंदर सी को बी के बराबर इक्वेट कर दिया, मैंने मान लिया सी इज इक्वल टू बी। तो इस टाइप क्या लिखा है, देखना ध्यान से, लॉग ऑफ बी टू द बेस ए प्लस लॉग ऑफ बी टू द बेस ए, और इधर क्या हो जाएगा लॉग ऑफ, पहले से तो बी है और सी की जगह मैंने बी रखा टू द बेस ए। अभी ध्यान से देखना, अब ये क्या लिखा है, लॉग ए टू द बेस बी, बी टू द बेस ए प्लस लॉग बी टू द बेस ए, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, टू टाइम्स ये क्वांटिटी प्लस ये क्वांटिटी और सेम है, तो क्या लिख सकता हूं, टू टाइम्स लॉग बी टू द बेस ए। जैसे एक्स प्लस एक्स कितना होता है टू एक्स, तो ये एक्स है ये एक्स है तो ये कितना हो गया टू एक्स, तो टू टाइम्स लॉग बी टू द बेस, और इधर क्या आ गया हमारा लॉग ऑफ बी इंटू बी क्या होगा बी स्क्वायर टू द बेस ए। क्लियर है, समझ में आया ना, तो हमारा प्रूफ हो गया ये चीज, तो बहुत आसानी से हो गया। प्रॉपर्टी हमने कौन सी यूज की, इससे पहले वाली लॉग बी प्लस लॉग सी इज लॉग बी सी, ठीक है, उसमें क्या किया हमने बी और सी को बराबर डाल दिया, तो इधर क्या आया टू टाइम्स लॉग बी टू द बेस ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ बी स्क्वायर। क्लियर है। अब जैसे एक चीज और, जैसे इससे पहले वाली प्रॉपर्टी जो हमने देखी ना उसका और एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने देखा, मैंने बोला कि जैसे अभी तो हम दो 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 आर्ग्यूमेंट देख रहे हैं, हम आर्ग्यूमेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट बढ़ा भी सकते हैं उस प्रॉपर्टी में। जैसे कि मैंने लिखा, देखना लॉग ऑफ ए बी सी टू द बेस लेट्स से डी ले लिया, ठीक है, चलो इसको बी सी डी लिख लेते हैं, देखना ध्यान से बी सी डी टू द बेस ए, तो इससे पहले वाली प्रॉपर्टी से दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ बी प्लस लॉग सी प्लस लॉग डी, और क्या याद रखें सब में बेस ए रहेगा, तो इधर भी ए इधर भी ए इधर भी ए, क्लियर है। तो इधर कितने भी आर्गुमेंट हो वो प्रॉपर्टी हमें सब लेगा, कोई बोलेगा सर इसको कैसे लिखा, तो इसको देख सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि एक मिनट के लिए बीसी को मैंने सिंगल एलिमेंट मान लिया, बीसी को क्या किया मैंने एक सिंगल एलिमेंट मान लिया, तो इसको मैं लिख सकता हूं लॉग ऑफ प्रीवियस प्रॉपर्टी से लॉग ऑफ बीसी प्लस लॉग ऑफ डी, दोनों में बेस ए बेस ए। अब फर्दर इसको बी और सी को दोबारा सेपरेट किया, तो मैं लिख सकता हूं लॉग बी टू द बेस ए प्लस लॉग सी टू द बेस ए, और ये हमारा लॉग डी टू द बेस ए लिखा, ये समझ में आया। तो इधर हमारे कितने भी आर्ग्यूमेंट हो बट दे शुड बी इन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, तो हम लॉग में क्या करेंगे उसको समेशन फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना, समझ में आया, क्लियर हुआ। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको जनरलाइज के लिए भी देख सकता हूं, देखना ध्यान से, इसको कॉपी कर लेना वीडियो पॉज करके। अब देखना मैंने क्या बोला कि इसको देखना ध्यान से, मैं लिख रहा हूं लॉग ऑफ टू द बेस ए, अब देखना बी की पावर क्या है, इसका मतलब क्या है बी कितनी बार लिखा है के टाइम्स लिखा है बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं देखना बी इंटू बी इंटू बी एंड सो ऑन इंटू बी, ये कितने टाइम लिखा है के टाइम्स, ठीक है। तो इस जो वाली प्रॉपर्टी लॉग बी प्लस लॉग सी इक्वल टू लॉग बी सी, उस प्रॉपर्टी में क्या कर सकता हूं, अभी मैंने बताया इधर कितने भी आर्ग्यूमेंट हो उनको प्लस में लिख सकते हैं लॉग में, तो क्या लिखूंगा मैं लॉग बी प्लस दोबारा लॉग बी प्लस एंड सो ऑन लॉग बी, ये के टाइम्स था, तो ये कितने बार हो गया के बार हो गया के टाइम्स। अभी ऐसे लिखा एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स के टाइम्स, तो इसको क्या लिख सकता हूं के टाइम्स एक्स, तो दिस इज के टाइम्स लॉग बी, और सब में याद रखना बेस ए है, ठीक है ना, इधर सब में जो हमारा बेस था वो ए था। क्लियर है, ये तो हो गया हमारा मेथड वन टू प्रूव दिस प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे मेथड टू, तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको तुम लोग कॉपी करो। देखना मैंने लिखा, अब मुझे इसको प्रूफ करना है कि इसके बराबर है, तो पहले मैंने मान लिया कि इसको मैं एक मिनट के लिए सी बोल रहा हूं, क्या बोला मैंने लेट, ध्यान से देखना दिस इज अ प्रूफ। सेकंड मेथड, पहला तो हमने बोल दिया वाली प्रॉपर्टी से किया लॉग बी प्लस लॉग सी लॉग बी सी, अब देखना मैं लिख रहा हूं लेट लॉग ऑफ बी टू द बेस ए इज इक्वल टू सी, मैंने मान लिया एक मिनट के लिए ये सी के बराबर है, ठीक है। तो लॉग को कैसे हटाते हैं, क्या लिखते हैं ये वाला एक्स जो आर्ग्यूमेंट होता है इसको इधर लिखते हैं बी इज इक्वल टू ए की पावर में सी, ये तो हमने लॉग को ओपन करना देखा है, लॉग को एक्सपोनेंशियल में ऐसे कन्वर्ट करते हैं बी इज इक्वल टू ए की पावर सी। अब देखना ध्यान से, अब क्या किया मुझे इधर बी की पावर के चाहिए, ठीक है, तो मैंने क्या किया दोनों साइड पावर के किया, क्या किया दोनों साइड मैंने के का पावर किया, कैसे किया इधर लिख दिया बी की पावर के और इधर भी लिख दिया ए की पावर सी, तो पहले से था इसकी पावर के, कर सकते हैं, मैंने कहा दो नंबर बराबर है तो दोनों नंबर के ऊपर पावर रेस किया के, ध्यान देना दोनों के ऊपर पावर रेस किया के। अब देखना तो ये तो हो गया मेरा बी की पावर के,
अच्छा अब मैं वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, एक्सपोनेंशियल वाली प्रॉपर्टी। जैसे मैंने बोला a की पावर x है और इसकी पावर y है, तो दिस मीन्स a की पावर x y, दिस इज फर्दर इंप्लाइज a की पावर y की पावर x, दीज थ्री आर इक्वल। इसको भी नोट के फॉर्म में लिख लेना तुम लोग। क्या लिखा मैंने, a की पावर x की पावर y है, और इसमें लिखा a की, ये बराबर होगा, पावर होते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब इसको मैंने उल्टा करके लिख दिया, पहले y पावर लिख दिया फिर x लिख दिया। तो उसी प्रकार मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, देखो पहले तो मैंने लिखा a की पावर c k, याद देखना, फिर इसको फर्दर आई कैन राइट a की पावर k इसकी पावर c। क्लियर है? अब सुनना ध्यान से, अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इसलिए बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन होता है, जैसे कि मैंने बताया था कि इस स्टेप से इस स्टेप आसान जाना तो आसान होता है, दिस इज इजी पार्ट, बट ये थोड़ा सा टफ होता है बच्चों को। दिस इज, मैं ऐसे बोलता हूं टफ, टफ डज नॉट मीन कि टफ है, वो बहुत इजी है, बट कंपेयर टू दिस इट इज टफर देन लॉग। तो इसको क्या बोलूंगा मैं, एक्सपोनेंशियल से लॉग में जाना है मुझे इधर। कैसे, अब देखना ध्यान से, देखना इधर एक बार मैं और लिख लेता हूं उसको, बी की पावर के इज इक्वल टू ए की पावर के इसकी पावर सी, ब्लैक मार्कर यूज करता हूं, देखना। अब क्या करो कि ये बी की पावर के लिखा है ना, बी की पावर के, इसको एक मिनट के लिए एक नंबर है ये, तो इसको एक्सपोनेंशियल की तरह ट्रीट मत करो। ये तो क्या लिखा है, समथिंग इज इक्वल टू समथिंग की पावर सी, देखना समथिंग इज इक्वल टू समथिंग की पावर सी को क्या लिखते हैं, ये बी है तो ये तो मेरा क्या रहेगा समथिंग, ये लिखा है इधर, मेरा किसमें आ गया वो। अब मैं उल्टा लगा रहा हूं, देखा ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, इस बी की पावर एक को एक नंबर की तरह ट्रीट करो, ट्रीट इट एज ए नंबर, ट्रीट इट एज अ नंबर, पावर भूल जाओ, ये कोई तो नंबर है बी की पावर के, और वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, ए की पावर के को एक नंबर माना और उसकी पावर सी लिखा है। तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूं, लॉग में कैसे कन्वर्ट करूंगा मैं, लॉग ऑफ, ध्यान से देखना बच्चों, लॉग ऑफ बी की पावर के, बेस क्या आएगा हमारा, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, एक काम करो, इसको इसको केसी लिख लो, इसको इसी फॉर्म में रहने दो, इसी फॉर्म में रहने दो, ठीक है, इसको ऐसे लिखो मत, इसी से काम चल जाएगा हमारा इस प्रॉपर्टी में, देखना ध्यान से, ठीक है। अब देखना, अब मैंने क्या बोला, दिस इज इक्वल टू, बेस क्या रहेगा, ए इज इक्वल टू सी टाइम्स के, देखना क्या किया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किस में कन्वर्ट किया मैंने, एक्सपोनेंशियल टू लॉग। क्या करते हैं हम, जैसे इधर देखो ध्यान से, लॉग ऑफ बी टू द बेस ए अगर सी के बराबर है तो हम क्या लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू बेस की पावर आरएचएस। तो ये लिखा है आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू बेस की पावर आरएचएस, तो क्या लिखते हैं, लॉग ऑफ आर्ग्यूमेंट टू द बेस इज इक्वल टू आरएचएस। क्लियर है, जो पावर में होता है वो हमारा इधर आ जाता है, ए बेस, इसमें वाले एक्सप्रेशन में ए बेस है, इधर भी बेस रहेगा, इधर ये क्या होता है हमारा आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट इधर, समझ में आया। अब देखना ये प्रूव हो गया अगली लाइन में, अब जो मैंने सी था वो किसको माना था, सी मैंने माना था लॉग बी टू द बेस ए को, तो के इंटू सी लिखा है, तो के इंटू सी, और सी मेरा क्या है, लॉग बी टू द बेस ए, बी टू द बेस ए, तो हेंस प्रूफ, यही तो मुझे प्रूफ करना था कि लॉग ऑफ बी की पावर के टू द बेस ए में क्या होगा, के आगे आ जाएगा, के टाइम्स लॉग बी टू द बेस ए। क्लियर हुआ ये, इसमें पूरे डेरिवेशन में मेन स्टेप यही था, एक्सपोनेंशियल टू लॉग, ठीक है ना। चलो इसको समझ में आया ना, तो अब इसको वीडियो पॉज करके कॉपी करो, ठीक है। तो एक बार और चलो देख लेते हैं, मैं एक बार और गो थ्रू करता हूं फास्ट, क्या किया सब, हमें क्या प्रूव करना था, लॉग ऑफ बी की पावर के टू द बेस ए, वे के इज एक्सपोनेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट, याद रखना है वो लॉग का एक्सपोनेंट नहीं है, दैट इज द एक्सपोनेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो उस के को मैं आगे लेके आ सकता हूं, पहली बार कैसे किया, एक प्रॉपर्टी तो हमने उस यूज करी थी प्रीवियस वाली, लॉग बी प्लस लॉग सी, वो तो हो गया, चलो उसको समझ में आ गया। अब हम इसका देख रहे हैं, क्या किया, लॉग ऑफ बी टू द बेस ए को सी माना, फिर लॉग को ओपन किया तो बी की बी इक्वल टू ए की पावर सी आ गया। अब मैंने देखा मुझे जो प्रूफ करना था उसमें बी की पावर के था, तो कैसे जनरेट करूं बी की पावर के, टेकिंग पावर के ऑन बोथ द साइड, तो इधर बी की पावर आ गया ए की पावर सी की पावर के, तो इस दोनों को क्या कर सकता हूं, मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं इस प्रॉपर्टी से, ए की पावर एक्स की पावर क्या होता है, ए की पावर एक्स। अब क्या किया, अब इस b की पावर के को एक नंबर की तरह ट्रीट किया इस वाले पार्ट को, और ये तो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा a की पावर समथिंग, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लॉग ऑफ b की पावर के, और इधर बेस a है तो इधर भी बेस a रहेगा, इज इक्वल टू पावर विच इज ck। तो अब c को सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने लॉग b टू द बेस a, हेंस k टाइम्स लॉग टू b टू द बेस a। क्लियर है, ठीक है ना।
तो इसको वीडियो को पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब हम इसमें छोटे छोटे कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है ना। एक चीज और बताऊंगा अभी मैं, अब वो वाला पार्ट भी तुम्हें थोड़ा सा रिलैक्स होगा, हाउ टू कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल टू लॉग, ठीक है। तो उसके लिए देखना, देखो अभी तक क्या हो रहा था ना कि जैसे मैंने लिखा, दोबारा लिख रहा हूं, लॉग ऑफ, इसको भूल जाओ दो मिनट के लिए, नहीं की लॉग ए टू द बेस बी अगर सी के बराबर है तो हम क्या लिखते थे, ए इज इक्वल टू बी की पावर सी, बहुत आसान हो जाता था। तो लॉग को ओपन करना मतलब आर्ग्यूमेंट इधर लिखा बी की पावर सी, ठीक है। बट मैंने बोला था इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता, अब वो भी नहीं होगा। कैसे, अब हम क्या बोलेंगे ना, अब हमने ये वाली प्रॉपर्टी सीख ली है, मान लिया अज्यूम कि ये वाली प्रॉपर्टी हमने सीख ली है, इस प्रॉपर्टी से अब हमारा आसान हो जाएगा इसको रिवर्स जाना। कैसे, देखना ध्यान से, क्या किया, ये ए इज इक्वल टू बी की पावर सी है, मतलब दो नंबर बराबर है तो मैं बोल सकता हूं उनका लॉग भी बराबर होगा। मतलब अगर मैंने बोला लेट्स से टू स्क्वायर अगर फोर के बराबर है, ऑफ कोर्स बराबर है, तो दोनों साइड लॉग भी ले सकता हूं, दो चीज बराबर है तो मैं उसका लॉग भी ले सकता हूं, दोनों का लॉग भी बराबर होगा। तो मैंने क्या किया, इसमें देखना मैं क्या लिखा हूं, इसी ऐसे ही लिखना है तुम लोगों को, टेकिंग लॉग टू द बेस बी ऑन बोथ साइड। इससे क्या होगा, तुम्हारा कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा एक्सपोनेंशियल से लॉग में कैसे जाते हैं, वो बता रहा हूं मैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, अब मैं दोनों साइड लॉग ए ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, लॉग ए, बट लॉग ले रहा हूं कौन सा लॉग ले रहा हूं, उसका बेस मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो मैंने बोल दिया लॉग बी के साथ ले रहा हूं। तो देखना क्या हो जाएगा, इधर वाला स्टेप, लॉग टू द बेस बी और लॉग टू द बेस बी, ये मैंने लिया और पहले से नंबर क्या लिखे थे उसको मैं अलग कलर में लिख देता हूं, इधर लिखा था ए तो दिस इज माई ए एंड इधर लिखा था बी की पावर सी, क्लियर है। अब देखना ध्यान से, अब मुझे पता है इस वाली प्रॉपर्टी से जो एक्सपोनेंट, जो आर्गुमेंट का एक्सपोनेंट होता है या बोलते पावर होता है वो आगे आ जाता है, तो दिस इज सी टाइम्स लॉग बी टू द बेस बी, और मुझे पता है आर्गुमेंट और बेस सेम होता है तो ये तो वन होता है, दिस क्वांटिटी इज वन, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, दिस इज सी इंटू वन, दिस सी, तो वही चीज आ गई हमारी, ये वाली चीज क्या है, लॉग ए टू द बेस बी सी। तो समझ में आया, अब क्या करना है, जैसे हम कोई भी एक्सपोनेंट लिखा हो, लेट्स से मैं इसको एक और एग्जांपल लेके बता देता हूं, जैसे कि मैंने लिखा, देखना था ध्यान से, अल्फा की पावर बीटा इज इक्वल टू गामा, अब मुझे कंफ्यूजन हो रहा है लॉग में थोड़ा बहुत, जैसे अगर जिसको कंफ्यूजन नहीं हो डायरेक्टली लिखे मैंने, बट ये मेरी हैबिट रहती है कि आई यूज टू रिमेंबर बाय टेकिंग लॉग। कैसे, देखना मैं क्या बोलूंगा कि मुझे बेस इधर अल्फा है तो क्या करूंगा, टेकिंग लॉग टू द बेस अल्फा ऑन बोथ द साइड, तो इधर क्या हो जाएगा, लॉग लिया मैंने बेस अल्फा के साथ, उधर क्या लिखा था, अल्फा की पावर बीटा इज इक्वल टू लॉग ऑफ, इधर लिखा गामा मैंने लिया है अल्फा के साथ बेस, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया मेरा, इस पार्ट को कॉपी कर लेना तुम लोग, पॉज करके मैं रब कर रहा हूं। अब देखना अगेन ये वाली प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा मेरा, देखना ध्यान से, ये वाली प्रॉपर्टी से बीटा एक्सपोनेंट का पावर लिखा है तो बीटा को मैं आगे लेके आ सकता हूं, सो दिस इज बीटा, जो कि लॉग अल्फा टू द बेस, अभी मुझे इतना कैलकुलेट करना पड़ रहा है, बट जब तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो एक ही स्टेप में लिखोगे, इसके बाद इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इज इक्वल टू लॉग ऑफ गामा टू द बेस अल्फा, और ये क्या है, वन है, तो बीटा इज इक्वल टू लॉग ऑफ गामा टू द बेस अल्फा, वही चीज हो गया, दिस इज एक्सपोनेंशियल टू लॉग कन्वर्जन, ठीक है ना। तो यही आता था हमारा, बीटा इज इक्वल टू आर एच एस इज इक्वल टू लॉग ऑफ आर्ग्यूमेंट टू द बेस, क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया होगा तुम लोगों का। स्टिल इफ यू हैव डाउट फील फ्री टू आस्क, बिल्कुल मतलब बिल्कुल बिंदास डाउट पूछो, डोंट हेजिटेट, ठीक है। तो इसको कॉपी करो, अब हम इसके छोटे छोटे कुछ इलस्ट्रेशन देख लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक। तो हम देखते हैं इसके बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल्स छोटे छोटे। तो मैंने लिखा लॉग ऑफ बी की पावर फाइव टू द बेस ए प्लस लॉग ऑफ सी की पावर सिक्स टू द बेस ए, ठीक है। अब देखना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक मिनट रुकना, इसको मैं एक काम करता हूं, इसको मैं फाइव ही लिख लेता हूं अभी के लिए फॉर टाइम बीइंग, ठीक है। देखा ध्यान से, मैं दोनों प्रॉपर्टी यूज करूंगा जो मैंने अभी सीखी। तो ये पहला लॉ लिखा इसका आर्ग्यूमेंट, ये दूसरा लॉ लिखा इसका आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो इसको
इसको एक लॉग की तरह ट्रीट किया, इसको एक लॉग की तरह ट्रीट किया, तो लॉग बी प्लस लॉग सी क्या होता है हमारा, लॉग ऑफ बी सी, तो लॉग ऑफ बी की पावर 5 इंटू सी की पावर 5 टू द बेस ए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लॉग ऑफ बी सी की पावर 5 टू द बेस ए, क्लियर है। अब इस 5 को मैं आगे लेके आ सकता हूं, क्यों, क्योंकि 5 जो है वो आर्ग्यूमेंट का पावर है, तो दिस इज कैन बी रिटन एज 5 टाइम्स लॉग ऑफ बी सी टू द बेस, क्लियर हुआ बच्चों। तो हमें क्या हुआ ना, क्वेश्चन में यहां से यहां भी जाना पड़ सकता है या फिर वाई से वर्षा भी आना पड़ सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन का कैटेगरी क्या है, ठीक है ना। तो समझ में आया क्या किया, जैसे अगर मान लो मैं इससे इस स्टेप में जाना होगा तो मैं क्या करता, पहले 5 को उसके ऊपर लेके जाता, तो क्या लिखता 5 टाइम, जैसे यही स्टेप ऊपर रिवर्स चले जाते यहां से यहां तक, ये समझ में आया। जैसे चलो एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, देखना ध्यान से, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, देखना, मैंने कहा रिवर्स भी जाना पड़ सकता है, रिवर्स कैसे जाना पड़ सकता है वो देखते हैं। जैसे मैंने देखा लॉग ऑफ, देखना ध्यान से, लॉग ऑफ बी की पावर 6 और लेट्स से ए की पावर 7 टू द बेस लेट्स से 5। अब मैं बोल रहा हूं इसको कैसे ओपन करेंगे, तो क्या बी की पावर 6 को एक नंबर की तरह ट्रीट किया, ए की पावर 7 को एक नंबर की तरह ट्रीट किया, तो ये क्या लिखना होगा, लॉग ऑफ बी की पावर 6 एक नंबर, तो ये हो जाएगा लॉग बी प्लस लॉग सी, तो ये हो जाएगा लॉग बी प्लस लॉग, और दूसरा नंबर क्या हमारा ए की पावर 7 टू द बेस 5 टू द बेस 5, क्लियर है, समझ में आया ना। अब क्या करूं फर्दर, अब ये बी जो है बी की पावर में है 6 लिखा है, तो 6 को मैं आगे लेके आ सकता हूं, तो 6 टाइम्स लॉग ऑफ बी टू द बेस 5 प्लस इस 7 को आगे लेके आ सकता हूं 7 टाइम्स लॉग ए टू द बेस 5। तो मैंने जैसे बताया था इससे इसमें कन्वर्जन और इससे इसमें कन्वर्जन, बोथ वे वी हैव टू लर्न, समझ में आया। क्या बोला मैं, एक साथ लिखा है तो उसको अलग करके भी आना चाहिए, अलग लिखा है तो उसको एक साथ करके भी आना चाहिए, वो डिपेंड करता है हमारा क्वेश्चन क्या। अभी हम एग्जांपल्स भी लेंगे थोड़ी देर आगे चल के, तो उसमें तुम्हें क्लियरिटी होगी कि हमें दोनों स्टेप में जाना पड़ सकता है, इधर से इधर भी और इधर से इधर भी, ठीक है। तो इसमें हमने दोनों प्रॉपर्टीज यूज कर ली, कौन कौन सी, लॉग बी प्लस लॉग सी इज लॉग बी सी, और एक और कौन सी यूज की, लॉग ऑफ बी की पावर के, क्या हो जाता है, के टाइम्स लॉग बी, के आगे आ जाता है जो आर्ग्यूमेंट का पावर होता है, ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, दैट इज वेरी सिमिलर टू जो हमने इससे पहले वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब क्या करेंगे आप, देखना ध्यान से, प्रॉपर्टी पहले लिख लो, दिस इज 6th और 7th आई थिंक 6th वन, तो लॉग ऑफ बी टू द बेस ए माइनस लॉग ऑफ सी टू द बेस ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ बी बाय सी, ये हमारा एक ही स्टेप में हो जाएगा यूजिंग प्रीवियस प्रॉपर्टीज जो हमने देखी उसके आधार पे। तो एक काम क्या कर सकते हो, तुम वीडियो को पॉज करके एक बार खुद ट्राई करो उसको प्रूव करना। देखो क्या है, जो इससे पहले वाली हमने प्रॉपर्टी सीखी थी, मतलब 5th से पहले, दैट इज 4th वन, उसमें क्या था, प्लस था बीच में, तो हमने क्या किया था, आर्ग्यूमेंट्स को इधर क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, याद रखना, और इधर हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं लॉग में, तो क्या होगा, आर्ग्यूमेंट को डिवाइड करेंगे, क्लियर है। आर्ग्यूमेंट इधर क्या हो रहा है, लॉग डिफरेंस हो रहा है, तो लॉग क्या हो रहा है, इधर आर्ग्यूमेंट डिवाइड हो रहा है, तो इसको अब तुम्हें प्रूफ करना है। तो एक बार क्या कर सकते हो, तुम खुद से ट्राई कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, और मैंने हिंट दे दिया, यू हैव टू यूज प्रॉपर्टी 5 and 4 बोथ टू प्रूव दिस, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, मैं इसको प्रूफ देने वाला हूं। अब देखना ध्यान से, मैंने लिखा लॉग ऑफ बी टू द बेस ए, अब माइनस को ऐसे लिख सकता हूं, प्लस माइनस 1 इंटू लॉग ऑफ सी टू द बेस ए, 1 एंड द सेम थिंग, प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है, तो उस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्लियर। अब क्या किया, मुझे पता है, अब मैं वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, कौन सी, लॉग ऑफ बी की पावर के इज इक्वल टू के टाइम्स लॉग बी, ऑफकोर्स दोनों साइड बेस सेम होना चाहिए, ए ही ले लिया, लेट्स सी। अब इस प्रॉपर्टी को मैं उल्टी डायरेक्शन में लगाऊंगा, इधर देखना कैसे, मैंने क्या किया, जो लॉग के आगे लिखा होता है उसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, उसको मैं लॉग के आर्ग्यूमेंट पे लेके जा सकता हूं एट एनी टाइम, समझ में, के को मैं बी की पावर में लेके जा सकता हूं, उधर तो आते ही हम बी की पावर में जो इधर लेके आ सकते हैं, तो इधर से उधर भी जा सकते हैं। उसी प्रकार अब मैं ये माइनस 1 को क्या कर रहा हूं, मैं सी की पावर में लेके जा रहा हूं, क्लियर है, इस माइनस 1 को सी की पावर में लेके जा रहा हूं, तो ये क्या हो गया, प्लस लॉग ऑफ सी की पावर माइनस 1 टू द बेस ए, और इधर लिखा है लॉग ऑफ बी टू द बेस ए, क्लियर है, समझ में आया। अब देखना, ये एक मेरा एक नंबर है, अब फोर्थ प्रॉपर्टी लगा, अब मैं लिख रहा हूं, देखो ऐसे लगा, ऐसे लिख लेता हूं, यहां से आया हम प्रॉपर्टी 5, अब मैं लगा रहा हूं प्रॉपर्टी 4, ये भी तुम लिख लेना, प्रॉपर्टी 4 क्या थी हमारी, लॉग बी प्लस लॉग सी लॉग बी सी, तो ये एक नंबर है और एक ये नंबर है, इन दोनों का लॉग को ऐड करना है, तो क्या करें, आर्ग्यूमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते, तो लॉग ऑफ
पहला आर्ग्यूमेंट बी और दूसरा आर्ग्यूमेंट सी की पावर माइनस वन टू द बेस ए। अब बी इंटू सी की पावर माइनस वन, इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूं लॉग ऑफ बी अपॉन सी टू द बेस ए। हेंस प्रूफ। क्लियर हुआ बच्चों? तो डिवीजन होगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा। एडिशन होगा तो मल्टीप्लाई होगा। समझ में आया? ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसका प्रूफ कॉपी करो। अब मैं कुछ छोटे छोटे और इलस्ट्रेशन ले लेता हूं इसके ऊपर, तो थोड़ा और फील आएगा। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है ये दोनों प्रॉपर्टीज में, कि अगर एडिशन है तो आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाई होंगे, अगर डिफरेंस है तो हमारे आर्ग्यूमेंट क्या होंगे? डिवाइड होंगे। तो जैसे मैंने माना, छोटे छोटे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा लॉग ऑफ ए प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी, इसको मुझे क्लब करना है तो क्या करूंगा मैं, जो भी एडिशन में उनको तो मल्टीप्लाई करूंगा और जो माइनस में उसको डिवाइड करूंगा। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, फिर हम बाद में प्रैक्टिस हो जाएगा तो हम एक साथ करेंगे। ठीक है, अभी क्या किया, पहले मैंने इन दोनों को क्लब किया, इन दोनों को क्लब करके क्या लिख सकता हूं, लॉग ऑफ ए बी और बेस मान लो सबका लेट से डी ए, सभी लॉग का बेस डी ए। ठीक, तो ये हो गया लॉग ऑफ ए बी टू द बेस डी प्लस, सॉरी माइनस है ये हमारा, माइनस लॉग ऑफ सी टू द बेस डी। अब इधर लॉग बी माइनस लॉग सी वाली प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ ए बी और जो माइनस में है डिवाइड बाय सी टू द बेस डी। Hence, this can be expressed as this. और हमें उल्टा भी आना चाहिए, इधर से इधर स्टेप में जाना चाहिए। उल्टा क्या करेंगे, log of ab minus log c, फिर log of ab को क्या लिखेंगे, log a plus log b, तो हमारा उधर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो जो भी एडिशन में है वो क्या होंगे, क्या सीखा हमें, जो भी एडिशन होंगे वो एड होंगे, जो डिविजन में वो सब्ट्रैक्ट होंगे। समझ में आया? तो इसको कॉपी करो। अब देखते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, चलो एक दो एग्जाम्पल इसके और देख लेते, उसके बाद से मैं दो एक दो प्रॉपर्टी और को क्लब करूंगा एक साथ। तो लिखा लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी माइनस लॉग डी और सबका बेस लेट से ई है, लॉग और सभी लॉग का बेस याद रखना, जो भी हम प्रॉपर्टी सीख रहे हैं अभी, लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग बी सी या फिर लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए बाय बी, इन सब में लॉग का बेस सेम है सब जगह। ठीक है, ये हमें याद रखना। अब क्या करें, आप इन दोनों को क्लब और इन दोनों को क्लब। तो अब मैंने जैसे शॉर्ट क्या बोला कि जो भी एडिशन में उनके आर्गुमेंट को तो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ ए बी और ये दोनों डिवीजन में इसलिए सी डी टू द बेस ई, तो हमारा बहुत एक झटके में आंसर आ गया। समझ में आया बच्चों? क्या किया मैंने, जो भी एडिशन में उनको न्यूमरेटर में लिखा और जो भी माइनस के साथ उनको डिवीजन में लिखा, उनको डिनोमिनेटर में लिखा लॉग के। क्लियर है? चलो तो अब इसको कॉपी करो। अब हम थोड़ा, अब मैं क्या करता हूं, एक आधो एग्जाम्पल ऐसे ले लेता हूं जिसमें तीनों प्रॉपर्टीज यूज हो जाएंगी। कौन सी देखना है, एक बार रिकॉल करते हैं। प्रॉपर्टी फोर विच इज लॉग ए प्लस लॉग बी इज लॉग ए बी, प्रॉपर्टी फाइव विच इज लॉग ऑफ बी की पावर के इज के टाइम्स लॉग बी, एंड प्रॉपर्टी सिक्स विच इज लॉग बी माइनस लॉग सी इज लॉग ऑफ बी बाय सी। ये तीनों प्रॉपर्टीज यूज होंगी। इस टाइप का एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखना, मैंने लिखा लॉग ऑफ पहले दोनों प्रॉपर्टीज का यूज करके फोर टाइम्स लॉग सी टू द बेस लेट्स से ए बेस एरिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, मुझे इन दोनों को क्लब करके लिखना है। ठीक है ना, तो अभी मैं इसको एडिशन नहीं कर सकता हूं क्योंकि जैसे मैंने जो बोला जो प्रॉपर्टी जो हमारी थी लॉग बी प्लस लॉग सी लॉग बी सी, उसमें दोनों लॉग के आगे क्या लिखा था, वन लिखा था। तो पहले वन बनाऊंगा उसके बाद फिर मैं आर्ग्यूमेंट को मल्टीप्लाई करूंगा। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, लॉग b प्लस लॉग c जो मैंने लिखा log ऑफ बी सी, इसमें इस वाले log का भी कोफिशियंट वन है, इसका ये भी वन लिखा है, ये भी वन लिखा है, तभी मैं ऐड कर पा रहा हूं। तो अभी तो इसका आर्ग्यूमेंट 5 है, इसका आर्ग्यूमेंट 4 है, तो अभी तो मैं डायरेक्टली इसको log bc नहीं लिख सकता। तो पहले मुझे इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा, मैं b की पावर k वाली प्रॉपर्टी। क्या करेंगे आप, उल्टी डायरेक्शन में, इस 5 को मैं इस b की पावर में लेके जाऊंगा, इस 4 को मैं इस c की पावर में लेके जाऊंगा। तो क्या हो जाएगा, log ऑफ b की पावर 5 टू द बेस a प्लस लॉग ऑफ सी की पावर 4 टू द बेस ए। ठीक है, अब मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा। अब मेरा कोफिशियंट लॉग के क्या है, 1 1 है, तो अब मैं लगाऊंगा लॉग ऑफ दोनों लॉग का आर्ग्यूमेंट को मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, विच इज लॉग बी की पावर 5 इंटू सी की पावर 4 टू द बेस ए। हेंस दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। क्लियर? ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं डिवीजन वाला भी ले लेता हूं कुछ एक बार। तो मैंने लिखा, चलो मैंने लिखा 4 टाइम्स log of b to the base a minus 3 times
log of, चलो प्लस थ्री टाइम्स log ऑफ c टू द बेस a प्लस चलो माइनस फाइव टाइम्स log ऑफ d टू द बेस a। तो इसमें हमारी तीनों प्रॉपर्टीज होंगी, तीनों जो हमने देखी फोर फाइव एंड सिक्स। कैसे आप देखना, फोर टाइम्स अभी मेरे को क्या इन दोनों को ऐड करना है और इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने क्या बोला था, सब्ट्रैक्ट वाले एडिशन वाले में क्या होगा, वो तो मल्टीप्लाई होंगे और जो माइनस वाला है वो हम डिवाइड करेंगे आर्ग्यूमेंट में। बट उससे पहले मेरे को स्टेप क्या याद रखना, यही वाला कि दोनों जब हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों केसेस में लॉग का आगे का कोफिशियंट वन होना चाहिए, तभी मैं कर सकता हूं। बट एट प्रेजेंट देयर इज द कोफिशियंट इज नॉट वन इन ऑल द थ्री लॉग्स, ठीक है ना। तो क्या करें, वन बना लेते हैं इन दोनों का और इसका भी बना लेते हैं, इसका माइनस वन भी चलेगा। अब देखना इस फोर को मैं इसकी पावर में लेके जा सकता हूं, तो जो गया लॉग ऑफ बी की पावर फोर प्लस ये हो गया लॉग ऑफ सी की पावर थ्री, दोनों में ए है इधर भी है, और माइनस और फाइव को लेके गया। चलो केवल फाइव, देखो माइनस फाइव को भी एक साथ लेके जा सकते हो बट मैं माइनस का भी यूज करने वाला हूं, तो माइनस को मैं आगे ही रहने देता हूं, केवल फाइव को लेके गया। तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ डी की पावर फाइव टू द बेस ए। अब इस लॉग का आर्ग्यूमेंट ये है, इसका ये है और इसका ये है हमारा, तो ये दोनों लॉग तो ऐड हो रहे हैं, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो जैसे पहले बताया था जो एडिशन उसमें क्या करो, न्यूमरेटर में लिखो उसको, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ, देखना ध्यान से एक स्टेप में लिख रहा हूं फाइनली, बी की पावर फोर, ये हो गया सी की पावर थ्री और डिवाइड, ये माइनस है इसलिए डिवाइड में डी की पावर फाइव, और सब में क्या आएगा, बेस ए आएगा लॉग। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो और इसको कॉपी करो। तो एडिशन में मल्टीप्लाई होगा, डिफरेंस में डिवाइड होगा, ये दिमाग में एकदम बिठा लेना तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मतलब मोस्ट ऑफ द ट्रिकी क्वेश्चंस जो होते हैं वो उसी प्रॉपर्टी से आते हैं। तो उसको पहले हम नाम दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड बेस चेंजिंग थियरम, बेस चेंजिंग थियरम प्रॉपर्टी है। तो उसको प्रॉपर्टी हमारा हो जाएगा ये सेवेंथ प्रॉपर्टी, ठीक है ना, फोर फाइव सिक्स, तो ये हो जाएगा सेवेंथ प्रॉपर्टी। ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं मैं, प्रॉपर्टी से लॉग ऑफ ए टू द बेस बी, जैसे कि उसमें नाम से इंडिकेट हो रहा है बेस चेंजिंग, मतलब हम बेस को चेंज करने जा रहे हैं। दिस इज इक्वल टू, ध्यान से, लॉग ऑफ ए अपॉन लॉग ऑफ बी। सर बेस कोई बोले सर बेस कहां है, अभी हम लिख रहे हैं बेस। अब उसने बोला बेस चेंजिंग थ्योरम, अब मैंने बोला कि इसको हम लिख सकते हैं लॉग ए अपॉन लॉग बी। अब तुम जो इधर लॉग लिखा है ना आरएचएस में, उसमें बेस कुछ भी लिख सकते हो, बट हाँ याद क्या रखना है, जो बेस न्यूमरेटर में लिखोगे वही बेस डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। तो लेट्स से मैं मान लेता हूं बेस इज सी, तो आई कैन राइट इट एज सी, दिस इज कॉल्ड बेस चेंजिंग थ्योरम। इसका हम प्रूफ भी देखेंगे, समझ में आया। जैसे कि मैंने इसको मैं कैसे बोल सकता हूं, जैसे मैंने लिखा लॉग ऑफ लेट्स से थ्री टू द बेस टू, अब बेस चेंजिंग थ्योरम लगाना है, मुझे क्या चाहिए बेस फाइव चाहिए, तो क्या करूं मैं, पहले तो इसको लिखूंगा लॉग थ्री अपॉन लॉग टू, और दोनों में क्या जाएगा बेस, मान लो जो मुझे चाहिए वो बेस लगा दो, लेट्स मुझे फाइव चाहिए तो फाइव इधर भी फाइव। क्लियर है, दिस इज कॉल्ड बेस चेंजिंग थ्योरम। इसके अभी हम कुछ रिजल्ट भी ड्राइव करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा लॉग ऑफ फाइव टू द बेस सिक्स और मुझे चाहिए बेस सेवन, तो क्या लिखूंगा लॉग फाइव अपॉन, पहले तो लिख लिया लॉग सिक्स और फिर बेस लगा दे जो भी चाहिए रिक्वायर्ड बेस, लाइक से सेवन चाहिए तो सेवन। क्लियर है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इतना पार्ट कॉपी करो, मैं इसका प्रूफ देता हूं, और खुद से एक बार ट्राई भी कर सकते हो, इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन ट्राई ऑन योर ओन ऑल्सो। वीडियो को पॉज करके मैं इसका प्रूफ देने लगा। देखना ध्यान से, प्रूफ ऑफ दिस, मैंने मान लिया लेट जो मेरा आरएचएस है एलएचएस है उसको लेट से सी मान डी मान लिया लॉग ऑफ या फिर एक्स मान लिया कुछ भी मान लिया, तो मैं सी ऑलरेडी यूज कर लिया तो मैं एक्स मान रहा हूं, लॉग ए टू द बेस सी बी इज एक्स। तो अब एक्सपोनेंशियल वाली प्रॉपर्टी से मैं क्या लिख सकता हूं, ए इज इक्वल टू बी की पावर एक्स, लॉग से हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट ऐसे करते हैं। क्लियर है, अब देखना ध्यान से, अब मेन बात आएगी। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड लॉग ले रहा हूं, क्या कर रहा हूं, जैसे कि मैंने अभी से वाली पहले प्रॉपर्टी में बोला था, अब हम एक्सपोनेंशियल से लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे टर्म, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड,
याद है अभी मैंने बताया था, क्या बोल रहा हूं इधर लिख लेना तुम, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अच्छा लॉग तो ले रहे हैं, बेस क्या लू, बेस कुछ भी ले लो। तो लेट से मेरे को सी के लिए प्रूव करना है तो मैं सी ले लेता हूं, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड टू द बेस सी, टू द बेस सी, ध्यान से देखना। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ टू द बेस सी इज इक्वल टू, इधर लिखा है लॉग टू द बेस सी। अब मैं आर्ग्यूमेंट को अलग कलर से लिख देता हूं तो ज्यादा अच्छे से विजुलाइज होगा। अभी तो मैंने लॉग सी लिया दोनों साइड, तो इधर हमारा ऑलरेडी क्या था, ए था, और इधर क्या था, बी की पावर एक्स। क्लियर है? अब सुनना नेक्स्ट स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, लॉग ऑफ बी की पावर के, जो आर्ग्यूमेंट का पावर होता है उसको मैं आगे लेके आ सकता हूं। तो दिस इज इक्वल टू, इस एक्स को आगे ले आऊंगा तो एक्स टाइम्स लॉग ऑफ बी टू द बेस सी। इधर क्या है मेरा, लॉग ऑफ ए टू द बेस सी, तो मेरा एक्स आ गया, क्या आ गया इधर से, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू, देखना लॉग ए टू द बेस सी अपॉन लॉग ऑफ बी टू द बेस ए, लॉग ऑफ ए टू द बेस। और ये तो मुझे प्रूव करना था, क्योंकि मैंने एक्स किसको माना था, इसको माना था, और मैंने प्रूव कर दिया एक्स इसके बराबर है, वो तो हमारा आर एच एस है, हैंस प्रूफ। क्लियर हुआ बच्चों? क्या किया हमने, क्या ये थ्योरम क्या बोल रहा है कि हमें अगर मान लो किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़े कि हमें बेस को चेंज करना पड़े तो हम कैसे चेंज करेंगे, लॉग ए टू द बेस बी को हम किसी भी बेस में कैसे लिख सकते हैं, पहले तो लिखिए लॉग या अपॉन लॉग बी, और फिर जो भी रिक्वायर्ड बेस है, लेट्स से डी है, फाइव है, सिक्स है, कुछ भी है, वो हमने इस बेस में लिख दिया। दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस। तो ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, इसको कॉपी करो। तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफी है, ठीक है, इसके बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।